रामदयालु नगर मलंग स्थान की गुमटी संख्या 8 के पास शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब एक युवती की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मौत की सूचना पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। स्थानीय लोगों ने सदर थाना को सूचना दी। सूचना पर दलबल के साथ सदर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। मृत युवती की पहचान सरैया थाना के डोकरा गांव की लालदेव ठाकुर की 22 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवती स्नातक पार्ट थर्ड की छात्रा थी, जो अपना एडमिट कार्ड लाने के लिए कॉलेज जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन की चपेट में आने से उसकी कटकर मौत हो गई। वह युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। और मैं ऐसा जा रहे थे उसी क्रम में हुआ है ये चीज। जाम कहां से किस ट्रेन से हुआ है कुछ पता नहीं हमको, तो अभी बस आ ही रहा है। कितने बजे हुआ है? हमको तो लगभग 9 बजे फोन गया। अच्छा, इधर परीक्षा देने आई थी, इधर आके यहाँ पर इस तरह घटना, आप लोगों को कुछ पहले से मालूम था क्या इसके बारे में? कि मैंने कि कोई तरह का बात तो ना ना वैसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ है ना। हाँ, ये सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। एक लड़की का यहाँ पे शव बरामद हुआ है, जो ट्रेन से कट गई है। ट्रेन से कटा हुआ शव बरामद हुआ है और इस संबंध में अभी परिजन लोग आए हैं। सूचना उन लोगों मिली थी, आए हैं, लेकिन कुछ भी बताने की स्थिति में अभी नहीं है। पहचान क्या हुआ उनका? पहचान ये गुड़िया कुमारी है, पिता लालू ठाकुर, गांव डोकरा, थाना सरैया की रहने वाली थी ये। और ये फर्दर ये पूछताछ और जाँच पड़ताल के बाद ये पता चलेगा। हाँ, हम ये सुनने में आया है, लेकिन जब हम लोग आए थे तो हेडफोन नहीं था उस टाइम। कितना उम्र होगा लड़की का? लड़की का उम्र लगभग 22 वर्ष। सर उसका सर बैग उग भी मिला है, कॉलेज का सर कागज उगज भी मिला है सर। सर ये पता चल रहा है कि वो VBM में सर परीक्षा क्या कुछ किसी कारण बस आई थी और इधर आने का कोई मतलब नहीं रहता क्या? इधर ये परिजन लोगों को बताई थी कि एडमिट कार्ड BA 3rd पार्ट में थी, एडमिट कार्ड लेने के लिए बोल के जैसे तत्काल निकली हुई थी। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।